नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। भारत इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का चौथा मुकाबला ओवल के मैदान पर खेला गया और खेल के 5वें दिन टीम इंडिया के गेंदबाजों ने जबरदस्त खेल दिखाया। आपको बता दें, लंच तक 5वें दिन इंग्लैंड की टीम ने 2 विकेट गंवा दिए थे। पहले रोरी बर्न्स 50 रन बनाकर आउट हुए और इसके बाद डेविड मिलान 5 रन बनाकर बेहद दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रन आउट हो गए, लेकिन हसीब हमीद शानदार अंदाज में टिककर बल्लेबाजी कर रहे थे और लंच तक वो टिके हुए थे। लंच के बाद जब वापस वो बल्लेबाजी करने आए तो कुछ शॉट्स लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रविंद्र जडेजा ने इस दौरान ओवर द विकेट आकर एक खूबसूरत गेंद पर हसीब हमीद की गिल्लियां बिखेर दी। आपको बता दें, इस सीरीज में एक बार पहले भी हसीब हमीद का विकेट रविंद्र जडेजा क्लीन बोल्ड करते हुए निकाल चुके हैं, लेकिन वो ओवर द विकेट था, ये राउंड द विकेट आकर हसीब हमीद को रविंद्र जडेजा ने क्लीन बोल्ड कर दिया। गेंद रफ पैचेस पर पड़कर लेग स्टंप से घूमती हुई ऑफ स्टंप पर जाकर टकराई। हसीब हमीद पूरी तरीके से गच्चा खा गए। हसीब हमीद 193 गेंदों पर 63 रन बनाकर वापस पवेलियन लौट गए। आपको बता दें, हसीब हमीद का विकेट तब गिरा जब टीम का स्कोर 141 रन था और 62वें ओवर की तीसरी गेंद पर जडेजा ने हमीद का विकेट निकाला। आपको बता दें, लंच के बाद भारतीय तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों ने इंग्लैंड के बल्लेबाजों की बखिया उधेड़ कर रख दी थी और 72 ओवर के खेल के बाद इंग्लैंड की टीम 6 विकेट 150 रन पर गंवा चुकी थी। आपको बता दें, 100 रन पर पहला विकेट गंवाने वाली इंग्लैंड की टीम ने 147 के स्कोर पर अपने 6 विकेट गंवा दिए थे। रविंद्र जडेजा ने 28 ओवर की गेंदबाजी के बाद 2 विकेट निकाले थे, वहीं बुमराह के नाम भी 2 विकेट थे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया के साथ।